वहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ महिलाओं को देख करके नंगे नाचते हैं, किसी महिला को देख करके कहते तुम्हारे अंदर देवी आ रही है, जो सुंदर लड़कियों कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं उनके गले मिलकर के उनके कमरे में ले जाके बात करते हैं और दुनिया भर के इधर उधर की बातें करके समिति को भंग करने का प्रयास करते हैं। मंदिर समिति को बार बार कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है और मंदिर के जो स्थायी संत हैं श्रीमान महेंद्रदास जी महाराज, इनको बार बार लक्ष्मणदास जी महाराज द्वारा परेशान किया जा रहा है और ऐसे शरारती तत्वों द्वारा बार बार मंदिर में इसकी गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराज जिस प्रकार से अस्थायी महाराज लक्ष्मणदास जी अपने क्रियाकलाप को कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक अच्छा कार्य नहीं है, जिससे बार बार मंदिर की गरिमा नष्ट हो रही है और हिंदुत्व पर बार बार प्रहार हो रहा है। अपने आप को सनातन की भाषा कहने वाले ये महाराज बिल्कुल उचित नहीं है, जबकि हम लोग सभी संतों को देवतुल्य मानते हुए अपने मस्तक के ऊपर उनको विराजमान करते हैं, उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं। काली माता मंदिर समिति ने वहाँ पे बड़े बड़े हॉलों का निर्माण कराया, शिवालय का निर्माण कराया, गणेश मंदिर का निर्माण कराया और पूरे माताजी के मंदिर का निर्माण कराते हुए बहुत बड़े परिसर का निर्माण कराया और उस क्षेत्र को इतना अच्छा बना दिया गया है, लेकिन बार बार परेशानी ही आती है ऐसे तत्वों के कारण। वहाँ पे बार बार श्रद्धालुओं में घटती बढ़ती संख्या बनती रहती है, उससे भक्तों को तथा समिति को बार बार परेशानी होती है। महाराज के जिस प्रकार से व्यवहार से अपने आप को वो संत कहते हैं, लेकिन संत की गरिमा कहीं पे भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि समिति सदैव देवतुल्य बना के उनको काम करती है और वहाँ पे निर्माण का जितना काम हुआ है उस क्षेत्र को, चाहे सुख सागर हो, चाहे नवग्रह मंदिर हो, चाहे काली माता मंदिर हो, चाहे भैरव घाट हो, इन सब का निर्माण हम लोगों ने बड़े मेहनत से किया है और आज उस जगह को खराब करने के लिए कुछ ऐसे तत्व लगे हुए हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि हमारे शहर का जो ऐतिहासिक और पर्यटक और पौराणिक स्थल है जो कि पुरातत्वकालीन है उसको ये खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप चैनल के माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहेंगे कि शहर की जनता, किशनगढ़ की जनता, किशनगढ़ का पूरा आवाम इस बात के लिए तत्पर रहे कि वो अपने स्थानों को संरक्षित करने के लिए उनका और हमारा सबका सहयोग मिलकर ये काम हमने किया है। इसलिए मैं निवेदन सबको करना चाहूँगा कि इस मुहिम के अंदर सब लोग धर्म के साथ जुड़ें, क्योंकि महाराज और मंदिर एक व्यवस्था ऐसी है, हम लोग सब काली माता मंदिर की पूजा करने जाते हैं, संत हमारे सर माथे बिराजते हैं, लेकिन माँ भगवती का स्थान सबके लिए प्रथम है। इस मंदिर के लिए एक बार पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि शहर के जितने भी लोग हैं वो सब अच्छी मुहिम के साथ रहें, दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के साथ में नहीं रहे। काली माता मंदिर में 2012 से हम जो है समिति के द्वारा पूजा सेवा माता रानी का कर रहे थे और फिर कोरोना काल में ये लक्ष्मण दास हमारे छोटे गुरु भाई हैं काशी के द्वारा और ये आए, हमारे गुरु जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसी बीच में हम चले गए, ये यहाँ रहने लगे। 2.5 वर्ष के अंदर में जो इन्होंने बहुत से बड़ा जाल और प्रपंच रच करके और समिति भंग करने का वहाँ का गद्दी लेने के लिए बहुत से षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? और वहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना कमरे लगे हुए हैं, वहाँ महिलाओं को देख करके नंगे नाचते हैं, किसी महिला को देख करके कहते तुम्हारे अंदर देवी आ रही है, जो सुंदर लड़कियों कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं उनके गले मिलकर के उनके कमरे में ले जाके बात करते हैं और दुनिया भर के इधर उधर की बातें करके समिति को भंग करने का प्रयास करते हैं।